एवरीवन, टुडे विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में फोर पीरियड्स होते हैं। वंस, थाउजेंड्स, लैक्स। आपके कोर्स में लैक्स तक ही है। थ्री पीरियड्स वी हैव, वंस, थाउजेंड एंड लैक्स। ये हमारे थ्री पीरियड्स। अब हर पीरियड में प्लेसेस होती हैं। वंस पीरियड में थ्री प्लेसेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। थाउजेंड पीरियड में टू प्लेसेस, थाउजेंड प्लेस एंड टेन थाउजेंड प्लेस। लैक्स में लैक्स एंड टेन लैक्स, लैक्स एंड टेन लैक्स। आपका सिर्फ लैक्स तक ही है। वंस प्लेस, वंस पीरियड में थ्री प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक्स। नाउ अब मैं आपको वैल्यू को कैसे पुट करते हैं वो सिखाऊंगी। 858625। मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, मुझे यहाँ पे इस 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है और इस नंबर को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। नाउ सबसे पहले मैं आपको इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे पुट करते हैं वो सिखाऊंगी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 5 इज एट वंस प्लेस, सो आई विल राइट 5 एट वंस प्लेस। 2 इज एट टेंस प्लेस, सो आई विल राइट 2 एट टेंस प्लेस। 6 एट 100 प्लेस, 8 एट 1000 प्लेस, 5 एट 10000 प्लेस एंड 8 इज एट लैक्स प्लेस। हो गया। अब इस 8 का प्लेस वैल्यू, इस 8 की प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे देखो। प्लेस वैल्यू के लिए मैंने 8 लिखा। अब 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स। सो आई विल पुट 5 जीरोस, आई विल पुट 5 जीरोस। 8 लैक इज द प्लेस वैल्यू। Another question, 3, 4, 3, 6, 9, 3, 4, 3, 6, 9, this 3, सबसे पहले मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करूंगी। 9 इज एट वंस प्लेस, 6 एट टेंस प्लेस, 3 एट हंड्रेड प्लेस, 4 एट थाउजेंड प्लेस, 3 एट 10000 प्लेस। अब इस 3 की प्लेस वैल्यू निकालूंगी। लिखा इस 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। सो आई विल पुट 2 जीरोस। दिस इज हाउ वी पुट वैल्यूज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड वी फाइंड द प्लेस वैल्यू। अनदर क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डी करा है। दिस इज डी एंड दिस इज बी। सारे बच्चे वीडियो से ऐसे देख के उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन उतार लेना, वीडियो से स्टॉप करके पूरा उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द पीरियड्स बाय प्लेसिंग कॉमा। अब हमें जैसे मैंने आपको पीरियड्स बताए, वी हैव थ्री पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। हाउ मेनी पीरियड्स वी हैव? थ्री पीरियड्स, वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड एंड लैक्स पीरियड। वंस पीरियड में थ्री प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक्स। यही होता है। तो अब हमें इस पीरियड से करना है, इस पीरियड को डिवाइड करना है। कैसे? प्लेसेस। वंस प्लेस में थ्री प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड।
एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 32,516। बहुत इजी है, 7609। यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 80 और यहाँ बतानी है 5। ये नंबर है, इस नंबर में हमें ये बताना है कि जो अंडरलाइन डिजिट है ना, इनका पीरियड कौन सा है, प्लेस कौन सी है, इस अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है और अंडरलाइन डिजिट की फेस वैल्यू क्या है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पीरियड निकालेंगे। वंस टेंस हंड्रेड, ये तो वंस पीरियड हो गया, तो ये क्या हो गया, थाउजेंड पीरियड। एक हमारा कौन से पीरियड में आ रहा है, थाउजेंड पीरियड, थाउजेंड। एट की प्लेस क्या है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, एट की प्लेस क्या है, थाउजेंड। अब एट की प्लेस वैल्यू, एट के बाद कितनी डिजिट्स है, थ्री डिजिट्स, तो मैं यहां एट के बाद कितनी जीरो लगाऊंगी, थ्री जीरो। और फेस वैल्यू आपको पता ही है, एज इट इज रहती है, एट की फेस वैल्यू
थाउजेंड पीरियड, लैक्स टेन लैक्स, तो ये कौन से पीरियड में आ रहा है? लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस बताना, वंस टेन्स हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, लैक्स टेन लैक्स, कौन सी प्लेस है ये? टेन लैक्स। अब इसका प्लेस वैल्यू फाइव लिखा, फाइव के बाद कितनी डिजिट्स? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो आई विल पुट हाउ मेनी जीरोस? सिक्स जीरोस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड व्हाट विल बी द फेस वैल्यू? फाइव की फेस वैल्यू फाइव की रहेगी। आया आपको समझ में? ना, ये भी आपको एज इट इज उतारना है नोटबुक में, ऐसे ही यहाँ पे आप बीच में पेंसिल से लाइन खींचेंगे, कोई भी बच्चा फ्री हैंड नहीं करेगा, सीधी लाइन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम द प्लेसेस इन द थाउजेंड्स पीरियड। थाउजेंड्स पीरियड में कौन सी प्लेसेस होती हैं? टू प्लेसेस, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द पीरियड विच कम्स बिफोर द लैक्स पीरियड। लैक्स पीरियड से पहले कौन सा पीरियड आता है? थाउजेंड पीरियड। कौन सा पीरियड? थाउजेंड पीरियड। राइट द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर इन वर्ड्स। स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन सा है? टेन थाउजेंड। टेन थाउजेंड इज द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, एंड व्हाट इज द, राइट द ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर, जब भी आपसे ग्रेटेस्ट पूछता है तो सेवन डिजिट नंबर पूछा तो नाइन को सेवन टाइम्स लिखो। अगर बोलता ग्रेटेस्ट एट डिजिट नंबर तो आप नाइन को एट टाइम्स लिखो। अगर पूछना नाइन ग्रेटेस्ट नाइन डिजिट नंबर तो आप नाइन को नाइन टाइम्स लिखो। ऐसे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न, वेरी इजी। पैटर्न कंप्लीट करना है 76,594, 76,694, आप 100 100 ऐड करते जाओ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के ए में आप क्या करोगे? 100 100 ऐड कर रहे हैं। फिर बी में क्या हो रहा है? बी में हम 10,000 ऐड कर रहे हैं, 10,000 ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट फोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 32,065 के बाद कौन से लगातार फोर नंबर आते हैं? 32,066, 32,067 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे आगे के चार नंबर लिख दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव पहले के लिखने हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आपको पता होना चाहिए, लगातार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक्सरसाइज 1.1 बहुत सारी क्लासेस में हो चुकी है, लेकिन आज लाइव सेशन का पहला दिन है इसलिए मैंने ये रिवाइज कराया है। तो जिन बच्चों की जिस सेक्शन में एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है वो ये एक्सरसाइज वापस मत करना नोटबुक में, बट जिन बच्चों के एक्सरसाइज नहीं हुई है वो बच्चे इस एक्सरसाइज को करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, एक बच्चा पूछ रहा है 32,065 के बाद फोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताने, कौन कौन से होंगे? देखो 32,066, 67, 68 एंड 69। इस तरीके से हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर को करते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।